तो मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? बांग्लादेश की। करेक्ट। जब जनरल अरोरा ने आपको टेलीग्राम देकर बुलवाया था। ओ करेक्ट करेक्ट। देखिए, शादी की पहली रात और दरवाजे पर दस्तक, नाक नाक नाक। लेकिन नाक, आप तो ये पहले भी बता चुके हैं कि शादी की पहली रात दरवाजे पर दस्तक, नॉक नॉक नॉक। आपने दरवाजा खोला, ये सोचा कि आपकी बीवी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सस्पेंस, बीवी नहीं थी, तार वाला था। ओ, मैं ये पहले बता चुका हूँ जी, मैं अभी आया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आगे तो बताइए। आगे तो खैर, इट्स अ हिस्ट्री, सबको मालूम है। तार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था बी के भंडारी फौरन चले आओ फ्रंट पर, अगर तुम नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जनाब कश्मकश देखिए, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है और दूसरी तरफ देश का फर्ज मुझे पुकार रहा है। तो आप लड़ाई छोड़कर बीवी के पास रह गए? नेवर, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। बी के भंडारी अगर बहादुरी की परंपरा भूल जाए तो इस देश का क्या होगा? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बी के भंडारी की। भंडारी साहब, जरा आगे भी बताइए ना। हाँ जी, आगे क्या होना था, हम फ्रंट पर पहुंच गए और गोलियां चल रही थी, इधर गोली उधर गोली, यहाँ गोली वहाँ गोली, लेकिन बहारे मेजर भंडारी, वाह, दिल में बीवी का प्यार और हाथ में तलवार। तो आप तलवार लेकर लड़ाई लड़ने गए थे? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि हाथ में स्टेन गन थी और गोलियां चल रही थी। क्या बदतमीजी है, लेकिन साहब कहानी खत्म नहीं हुई। अरे कहानी खत्म नहीं हुई है। Can I help you, sir? No, thank you. It's all right. अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं। लो मैं बना देता हूं। वो अशोक, माइन इज परफेक्ट फॉर सुपर एक्ट्रेस। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। हाउ इज इट गोइंग? इट्स डूइंग एक्सीलेंट सर। आई बी बैक विद यू। सफलता के पल इतने बेमाने हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बोलो शीतल, बोलो दोस्त। What the hell? अंकल मैं हूँ। अरे राजा बेटा तू है? मम्मी डैडी साथ आए हैं? डैडी स्टेशन पे, मम्मी घर पे, मैं तो नाना के पास जा रहा हूँ। तू अकेले जा रहा है? हाँ, डैडी को एक आदमी चाहिए था ट्रेन की देखभाल करने, इसलिए मैं चला आया। अरे बेटे, अंकल ये दूरबीन है? हाँ बेटे ये दूरबीन है। इससे दूर की चीजें पास दिखती है ना? हाँ। और पास की चीजें नहीं दिखती है? पास की चीजें दुख ले जाती हैं बेटे। कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। डॉक्टर से झूठ? सच सच बोलो, क्या सोच रही थी? सोच रही थी डॉक्टर,
जिंदगी को चाहे कितना ही पीछे छोड़ो पर जिंदगी पीछे नहीं छोड़ती। आप मुझे बता सकते हैं आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछा नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप बम्बई जा रही हैं। जी हाँ बॉम्बे जा रही हूँ। और कुछ? आप बम्बई जा रही हैं, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ और ये ट्रेन भी बम्बई जा रही है, इत्तेफाक की बात है। आप दिल्ली से आ रही हैं, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ और ये ट्रेन भी दिल्ली से आ रही है, इत्तेफाक की बात है। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे पिताजी दिल्ली में हीरो का व्यापार करते हैं, डायमंड। जरूर करते होंगे, बेहतर है कि आप अपने पिताजी के पास जाके बैठिए। अगर पिताजी के पास जाकर बैठना होता और उनकी बात माननी होती तो इस तरह भाग कर क्यों आते? भाग के? जी हाँ, दरअसल बात ये है कि मेरे जो फादर है ना, बहुत लालची आदमी है, वो पैसों की खातिर मेरी शादी एक बकवास लड़की से कर देना चाहते थे और मैं पैसों को मारता हूँ अपनी जूती की नोक पर। उन्हें चाहिए पैसा और मुझे चाहिए एक अच्छी सी लड़की। आपने किसी लड़की से इश्क किया है क्या? धत तेरे की, माय बैड लक। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? जो भी मिलती है वो मेरे पैसे को देखती है और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता। अरे जजमान, आप बाहर खड़े हैं, अंदर प्रवेश क्यों नहीं करते? आपकी घड़ी तो बड़ी शुभ है। ओए लाले जी जान, हम तो प्रवेश करना चाहता है पर ये बंद है। ओहो राहु केतु अंदर होंगे, आपका शरीर बहुत खराब है। हरिओम। हरिओम। टीसी नहीं है, चल। ये वही है। क्या है, आप इसे क्यों ताक रहे हैं? आपसे क्या, ये मेरे मजहब की मानने वाली लड़की है। ये मेरे धर्म वाली लड़की है? जी नहीं, ये मेरे मजहब की है। वो कैसे? नाम से जाहिर है, इसका नाम राम कली है। नाम से तो हिंदू है, इसके नाम में राम है। जी नहीं, इसका नाम राम कली है, ये मुसलमान है। जैसे अनारकली, अनारकली मुसलमान थी। आप तारीख जानते हैं? हिस्ट्री को कुछ समझ है आपको? अरे क्या हिस्ट्री की बात कर रहे हो, तुमको संगीत का ज्ञान है? रामकली राग हिंदू ने बनाया था, इसलिए रामकली हिंदू है। खामोश है आप। जिस वक्त राग रामकली वजूद में आ रहा था तो आप क्या पैदा हो रहे थे? तो क्या आपका बाप पैदा हो रहा था? खामोश है, खामोश रहिए। तुम इसे बात कीजिए। होल्ड, आई सेड होल्ड। शांति शांति। कहाँ है? माय गॉड, आई एम टॉकिंग ऑफ पीस पीस। मेजर भंडारी। खादी भंडार वाले? नो, मेजर भंडारी थ्रू UNO। आई डोंट नो। मैं समझाऊंगा आपको बाद में। मैडम, अगर ज्यादा देर आप इन दोनों के बीच में बैठी रहीं, तो हिंदू मुस्लिम फसाद होने का खतरा है। हाँ, आप मेरे साथ आइए। वैसे बाय द वे, आपका मजहब है क्या? मैं मजहब अजहब को नहीं मानता, मगर हिंदुस्तान में तो आपकी शादी में तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए तो मैं अपने स्वीट हार्ट को लेकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। आप वापस नहीं आएंगे? नो, हम वही रहेंगे। खुश रहो, मोहब्बत से रहो। मैं राजा राम मोहन और ये मेरी रानी पद्मिनी। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे चंद्रा कहते हैं और ये मेरी होने वाली बेगम रजिया। हाय, हेलो। और ये है मिस्टर, मेरा नाम उतेश। प्लीज टू मीट यू। ये मेरी बीवी रितु। हेलो, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? श्योर, कम ऑन डार्लिंग। आइए। हेलो सर, हेलो। थैंक यू। अच्छा बोल रहा, बोल। आओ। बाद में, बाद में, बाद में। ले ले ले, खा खा। हाँ
आज तो आपकी बदौलत मजा आ गया। मैं तो अपनी लिपस्टिक भी खा गई हूँ। रामजादे को, ये चोर है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर रणधीर हूं। ये देखो, ये देखो, ये स्मगलर चंदर है। मैं कब से इसके पीछे पड़ा हूं। पकड़ो इसे। रुक जाओ। कोई भी हिला तो जान से मार डालूंगा, समझे? रजिया, जल्दी जाके हीरे लेके आओ, हमें ट्रेन छोड़नी है, जाओ। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, किसी ने भी होशियारी बताई तो इस बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हिलेगा नहीं, समझे? अंटी, अभी अभी गोली चली थी। सुनी नहीं? हाँ राजू, आवाज तो सुनी थी। आप राजू को तो पहचानती होंगी आप। ये अकेला बंबई जा रहा है, इसे हिफाजत से बंबई तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और आप? मैं मथुरा उतर रहा हूं। क्यों? क्यों? जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो मंजिल भी एक नहीं रहती। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। सुनिए, कुछ और कहना बाकी है क्या? सीमा, इस वक्त तुम्हें देने के लिए इस अंगूठी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। प्यार की कीमत से इस अंगूठी की कीमत कहीं ज्यादा है। खुश रहो सीमा, मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। अलविदा। लो उस्मान अली, तुम भी पियो। नहीं सर, थैंक यू, मैं ड्यूटी पर। अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है। ये तो एक ऐतिहासिक सफर है। ये ट्रेन एक ऐसी हिस्ट्री लिखेगी कि सारा हिंदुस्तान इसे कभी नहीं भूल पाएगा। हेलो। हेलो उस्मान भाई, मैं जीवनलाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, मथुरा का आउटर सिग्नल हम पास कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। क्या कह रहे हैं जीवनलाल? हम लोग मथुरा पहुंच रहे हैं सर। ऐसी क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मथुरा पहुंच रहे हैं। अरे आओ दादा, आओ, चलो मथुरा के पेड़े खिलाए। पेड़े? पेड़े कम? हाँ, चलो चलो चलो। अरे हुजूर आला, जरा चूना कम लगाइएगा। आई होट कटेंगे नहीं, आप खाइए। अरे रामकली, कहाँ जा रही हो? अरे अब्बू अब्दुल, तुम लोग? उस्ताद कहाँ है? कहाँ जा रहे तुम लोग? जयपुर में, हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ? अच्छा उस्मान अली, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।